बनारस मतलब तहजीब संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति है पान की, मगर आप बनारस आए तो पान नहीं खाए तो कुछ नहीं किया, इसीलिए फिल्मी गाना भी बना हुआ है खाई के पान बना हुआ। कितने तहजीब से पान दे रहे हैं, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पान खा के आज मैं करूंगा यहाँ पर बनारस का हमारा अपना कार्यक्रम जनता टीवी का, जो कि थर्मामीटर पॉलिटिकल पब्लिक थर्मामीटर, हम यहाँ पे बात करेंगे लोगों से बनारस के अंदाज में। देखिएगा, देखिए हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा जो हमेशा से रहता है वही है। क्या रहता है? महंगाई, गरीबी, क्या है? कहीं कुछ नहीं, न तो महंगाई है न तो गरीबी है आज के समय में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पेट्रोल कैसा मिल रहा है? पेट्रोल कैसा मिल रहा है? पेट्रोल ठीक है। अरे जब वेतन हमारा बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वो भी बढ़ रहा है। वेतन बढ़ गया आपका है? कितना वेतन बढ़ गया आपका? कितना? अरे वेतन तो हमेशा जो गवर्नमेंट बढ़ाती है वेतन बढ़ता है। 4 साल पहले गैस कितने रुपए की थी? एलपीजी कितने की थी? अरे ये तो घर वाले भराते हैं, हम लोगों से क्या मतलब, हम लोग अपन तनख्वाह लिए दिए, वो घर वाले कितने का इस समय 900 बता रहे हैं। पूछते हैं भैया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी से क्या मतलब, सब अपने सिस्टम में है। जब 400 रुपया में सिलेंडर था तो सबके पास नहीं था, आज 1000 हो गया, किसके पास नहीं है? अगर महंगा होता तो सबके पास होता। मोदी जी घर घर बांट दिए हैं सिलेंडर, कभी किसी ने दिया था? किसी के पास नहीं था। मोदी जी रात में किसानों को, हम लोगों को ये हुआ है कि जो रात को खेत बनाना पड़ता था पानी गेहूं में, वो अब रात को कोई नहीं बनाता है। बहुत सही बात, बहुत सही बताइए ना कि किसानों को जरूरत नहीं होती है रात में पानी भरने की, लेकिन अब किसान कह रहे हैं उनको जरूरत पड़ गई है जानवरों को भगाने की, रात भर झगड़ा पड़ता है किसान भगाने के लिए। क्या किसान अब जागते हैं खेत से जानवर भगाने के लिए? हाँ भागते हैं, जानवर कौन छोड़ रहा है? कौन छोड़ा है? जानवर तो हम ही लोग छोड़ रहे हैं ना, तो गलती किसकी है? किसानों की, गवर्नमेंट थोड़ी जो है जानवर पैदा करके भेज रही है। नहीं सही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए जानवर लोग पहले नहीं छोड़ते थे, इस तरह से लावारी सब लोग जानवर छोड़ रहे हैं, तो हमारा हम आप सारे लोग जो है अपना जानवर छोड़ रहे हैं, सरकार क्या करेगी? आप क्या कह रहे हैं? नहीं सही कह रहे हैं। क्या नहीं कह रहे हैं? सही ये कह रहे हैं कि भाई जब हर लोग जो है इस पर ध्यान देंगे तभी तो कुछ आगे एक बात बढ़ेगी। ठीक है, और लोग भी है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार का मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, न कहीं कुछ महंगाई है न कहीं गरीबी है। और जो हाथ पशु की बात है, पशु हम ही छोड़ रहे हैं और हम ही जो सरकार को चुतिया बना रहे हैं। महंगाई मुद्दा नहीं है? कुछ नहीं है, महंगाई का तनख्वाह सबका बढ़ रहा है तो महंगाई कहाँ से आएगी? आपकी तनख्वाह बढ़ी है? नहीं नहीं, महंगाई क्यों बढ़ेगी? कल जो तनख्वाह बढ़ी आपकी? तनख्वाह बढ़ी हुई है। कितनी बढ़ गई? अरे बढ़ गई जितनी जरूरत थी गवर्नमेंट उतना बढ़ाए, हम लोग खुशहाल उसी में है। खुशहाल है? हाँ खुशहाल है। देखिए बनारस है, बनारस के लोग खुशहाल है, कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ी, नहीं 1% नहीं बढ़ी, नहीं पेट्रोल के दाम बढ़े, पेट्रोल को बढ़े तो उतने हमारे रोड तो बढ़े हैं, कितने एलपीजी बढ़े, वो भी बढ़ा तो हमको रोड तो दिया है कल जाने के लिए, हाथ के बढ़े, घर जाने में 2 घंटा लगता था, अब 1 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। पेट्रोल बचा हमारा, जितना महंगा हुआ उतना कम तेल लग रहा है, रोड बढ़िया होने से। अरे रोड हमारी चौड़ी हो गई है। आप क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का मुद्दा क्या? कुछ नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है, वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, मुद्दा कोई है नहीं। ये बनारस कैंट क्षेत्र है जहाँ पे ज्योत्सना श्रीवास्तव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी से हुए हैं और ये सिटिंग सीट भाजपा की ही है, और इस बार किसके आ जाती है देखने की बात होगी। बनारस तक कहते दानी बने गौशाला में, पानी भूसा छोड़ो पानी तक नहीं मिला पीने के लिए बच्चों को। हाँ ये बात जो है कुछ है, लेकिन हम कह रहे हैं इतना पहले, इसके पहले लोग क्यों नहीं उपजा तो हो जा रहे थे, हमको रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आज वो अपने से गवर्नमेंट हमको दे रही है तो क्यों सबको तकलीफ हो रही है? चाहे अखिलेश सरकार हो, इतना बुरी हाल बच्ची टूटा तो नहीं कबूल वाला छूट के चेहरा तीन जानवर, अच्छी बात है। गोकसी हो रही थी वो सबके सबको पता है, 2012 से 2017 में, 17 के बाद वो क्यों ताला उस पे लगा हुआ है, इसका मैं जवाब जानना चाहता हूँ। और अगर गौशाला में अगर गायें अगर आज तड़प रही है मर रही है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है कि उसको आप
पाले हैं, उसका दूध लिए हैं, दूध लेने में जब वो बिसुख गई उसको छोड़ दिए। अब आप बताइए यादव जी। अरे बताइए बंद करिए आप इसको। राजनीति जन सब कदम छोड़ जाते हुआ आप उधर जाइए, जाके खेत चेना कबूल, खेत चेना कबूल है, लेकिन गौशाला में जाके पैक कर सबसे बड़ा प्रयास है। इतनी परेशानी रहा बिजली का रोड क्या, इसके पहले यार हम बिजली पर बिजली बत्ती का परेशानी नहीं पता क्यों नहीं रहा कला, हम गाँव की बात क्यों नहीं दी गला, इसके पहले मुलायम भी क्यों नहीं बनवा दिए कला, इसलिए कोई नेतागिरी की बात नहीं होनी चाहिए। गौशाला जो सुविधा मिला हम उसको कहेंगे, गौशाला बात किए हम, गौशाला में जो उसका सुविधा बनाया उसको लिए रखे चारा पानी मिले क्या करें, हत्या आप हम हैं क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों उसको पानी नहीं दे रहे, रखा गया मजदूर बनाया गया है, जो रखा तो रखा है मजदूर, रखा गया कि नहीं रखा गया है, कोई भी सरकार जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि क्योंकि अपने परिवार के मुखिया अपने सब कुछ संतुष्ट नहीं कर। लेकिन मेरा मुद्दा ये है इस चुनाव में यहाँ पे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पे चुनाव के मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे हैं फिर योगी मोदी को बनना है और क्या, योगी चल ही रहे हैं बनेंगे फिर आप यार, योगी मोदी बने हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जानवर के बात हम लड़े हैं, कोई कुछ जानवर मजदूर रखा गया क्यों नहीं, पानी समय से दे रहा, भूसा नहीं दे रहा, चलिए दिखाई रामेश्वर में रोड ट्रैक्टर भूसा दे रहा है, तो सरकार हो तो जलान वाले का उसको तो मिल रहा है, अरे तो सब जगह जहाँ रहा रखा हुआ दे रहा है, गौशाला दिखाए चलो चलो इतना जो योगी सरकार गौशाला बना रहा है, हाँ देख लेते हैं, देख लो गौशाला जहाँ बना हुआ है, हमारा समय नहीं है ना, जिसको तकलीफ हो जाए हमको नहीं तकलीफ, रोजी रोजगार नहीं है यूपी के अंदर में, काशी के अंदर में रोजी रोजगार नहीं है, पूरी रोजी रोजगार पूरी युवाओं पूरी जनता जनता रोजगार एकदम नहीं है, रोजगार के मतलब धोखा हो रहा है, सिर्फ धोखा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं एक उद्योगपति भी हूँ, मेरा अपना खुद का बैंक भी है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर मैं बैंक भी चलाता हूँ, मेरे पास काम करने वाले जितने भी आते हैं वो आज भी हैं, लेकिन निकम्मे ज्यादा आते हैं, सबको सरकार मोदी जी दे सकती है, मोदी जी खाली वादा करते हैं आप कुछ करते नहीं है, किसको रोजगार चाहिए, मेरे पास विजय किस कौन है, कोई आए काम करने, और 2014 में जब बहुमत बनी थी सबको सरकारी नहीं दी जा सकती, ये असंभव, 2014 में जब मोदी जी की बहुमत आई थी उस टाइम कड़वा तेल 90 रुपए किलो था, लीटर था, इस टाइम 180 रुपए लीटर है, महंगाई बहुत ज्यादा है, उस टाइम 465 रुपए गैस थी, इस टाइम 980 रुपए गैस है, वक्त के साथ तनख्वाह भी लोगों की बढ़ी है, लोगों की कैपिटल भी बढ़ी है, अच्छा एक बात, अच्छा एक बात बताइए, खाली ढोंग है, खाली ढोंग, जो बच्चा इतना छोटा जो बच्चा पैदा होता है तो क्या जीवन में इतना छोटा होता है, महंगाई उसी तरह है, महंगाई जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है उसका खर्च नहीं बढ़ेगा क्या, क्या अखिलेश यादव इस बात का सुनिश्चित करते हैं कि सर जब चुनाव खत्म हो जाएगा पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेगा, सबको पता है कि दाम सीधे 115-120 जाएगा, पेट्रोल तो बहुत महंगा कर दिया मोदी सरकार ने, और बहुत ज्यादा है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही पेट्रोल का दाम 120 जाएगा, आम जनता चुनाव का मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है कि लगता है कि बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा पेट्रोल का दाम तेल का दाम, मुद्दे क्या क्या है, मुद्दे क्या क्या है तो सामने आ जाएंगे मुद्दे, अच्छा आप एक बार आप बात करेंगे ना, आप गृहिणी है, गैस के दाम क्या है, गैस के दाम गैस का दाम बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है, और ये आप क्या यहाँ पर वोट है, वोट किस आधार पर पड़ेगा, और देखिए लोग ये है क्योंकि गृहणियों को है, गृहणियों का दर्द गैस का है, एलपीजी का है, इस महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और समाजवादी पार्टी उसके उनको हावी होने की कोशिश करती है, जबकि इन लोग कह रहा है महंगाई कुछ भी हो जाए हम हमें हमारे पर अंतर नहीं पड़ा, मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है, तो बनारस का ये उत्तरी और कैंट क्षेत्र मैंने भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे माहौल है, इस माहौल को क्या समीकरण है यहाँ पे, इसके जानने के लिए हम अपने सहयोगी हैं यहाँ पे धर्मेंद्र चौबे जी से मैं पूछना चाहूंगा, आखिर यहाँ के जाति समीकरण क्या है या टोटल क्या समीकरण चलता है, बताइए। देखिए सर, जैसे 2017 का अगर समीकरण लिया जाए तो वाराणसी की प्रधानमंत्री की हॉट सीट 2014 होने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद लगातार बीजेपी यहाँ लीड भी रही है, और वाराणसी की जो है प्रधानमंत्री की ही साख पे जो 8 सीट जीती गई थी, 2017 का चुनाव जीता गया था वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे जीता गया था। कैंट क्षेत्र जो कैंट क्षेत्र है, ये कैंट क्षेत्र में कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, मेन कौन प्रत्याशी है, मेन देखिए सौरभ श्रीवास्तव हैं, और आपकी ज्योत्सना श्रीवास्तव पूर्व की विधायिका हैं, उनके ही सीट पे लड़ा गया था, और इस बार जो है सौरभ श्रीवास्तव और सपा से हैं आपकी पूजा यादव,
और निर्दल हैं, कांग्रेस के हैं। चूंकि सौरभ श्रीवास्तव सिटिंग विधायक हैं, इसलिए इस बार चूंकि मुद्दे कुछ अलग हैं, प्रधानमंत्री की सभाएं हुई हैं और प्रधानमंत्री का चूंकि संसदीय क्षेत्र है, 5 विधानसभाएं बनारस की लगती हैं और 3 ग्रामीण लगती हैं, तो सौरभ श्रीवास्तव की जो जाति समीकरण की मैं बात करूं तो यहां पे जैसे 10% सामान्य वोट हैं, ब्राह्मण वोट हैं, उसके बाद श्रीवास्तव वोट, श्रीवास्तव बाहुल्य माना जाता है ये, उसके बाद आपके मुस्लिम वोट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 42% अदर ओबीसी हैं, क्योंकि शहरी सीट होने की वजह से ये सदैव से बीजेपी के लिए ही मानी जाती है। और बनारस की ये तीनों जो 3 सीटें हैं, सर उत्तरी, दक्षिणी और कैंट, ये तीनों सीट बीजेपी का शुरू से ही वर्चस्व रहा है। अब की बार क्या लगता है, जो अब की बार तमाम एंटी कंपनसी आया है, विधायक ने काम नहीं किया है, सरकार की अपेक्षाओं में लोबा खरे नहीं उतरे हैं, अब की बार क्या लगता है? देखिए, विधायक ने यहाँ पे काम भी किया और इसके साथ साथ चूंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है तो डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ का प्रोजेक्ट का उन्होंने वर्क किया है और इस बार वाराणसी में 400 करोड़ के प्रोजेक्ट को देखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, वाराणसी टू गोरखपुर 4 लेन, वाराणसी टू कानपुर 6 लेन, ये जो लोकल विकास हुए। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या जनता कहती है, यहाँ पे तमाम लोगों से मैं बात करूंगा। आप एक मिनट आइए या और लोगों से बात करिए, आप महिलाएं आप बताइए कि यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में मुद्दा क्या है? गैस मुद्दा है, नहीं है गैस के नाम मुद्दा है, ये सब कुछ नहीं है कला जी। गैस क्या चुनाव का तो सीधे कले बीजेपी को पड़ेगी कला जी, गैस के सब मंगाइए कला जी, रोजगार दिया है बोलते क्या ना हमको, रुई काटनी। अरे सर जी, गैस का 1000 हो गया है, आपको क्या लगता है सही गलत है? गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको यह गलत लगता है, आपको क्या लगता है? मोदी दे हमारा रोजगार दिए हैं कि नहीं मोदी दिए हैं? रोजगार दिए हैं, रोजगार दिए मोदी, हाँ दिए हम लोग को, और करखा चलाते गांधी आश्रम चलाते हैं। कितना कमाई हो जाता है आपको? वही 100 रुपया, 100 रुपया पर प्रतिदिन कमाई होती है आज के रोजगार में आपको, तो इसमें पेट भर जाता है उतने में तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 100 रुपया तो मैंने कहा हम लोग से इतना कमाई है नहीं, 100 रुपये में कहाँ चलेगा? अब बताइए आपका पेट, जो आय होती है उस आय से पेट भरता है? नहीं भरता है। लेकिन ये देखिए, आप तो कह रहे थे कि बहुत रोजगार मिल गया, रोजगार तो बनारस में ये लोग को दिए हैं, कहाँ कुछ नहीं कर रहे जी, इसे हमको चरखा दिया है, बुनने के लिए कपड़ा दिया है, मशीन दिया है, मोदी ने दिया है। आप बताइए सही बात है? दिए तो रोजगार पहले कुछ नहीं मिलता था, कागज से आज सब को मिला हाथ में, इससे पेट भरेगा लोगों का? जहाँ कुछ नहीं था वो कुछ तो मिल रहा है। आप इससे आप संतुष्ट हो, जो मिल रहा है संतुष्ट? अभी नहीं, हम लोग नहीं, और चाहिए। हाँ तब क्या, 100 रुपए में आजकल कहाँ पेट भरता है? 50-10 हो गया, 100 रुपए में पेट भरेगा? देखिए असलाई जो है वो कहीं पे करेंगे, बाकी जहाँ कुछ रोजगार नहीं था रोजगार मिला है, रोजगार मिला हुआ है। तो ये है दृश्य, आपने देखा कि किस तरीके से जनता परेशान है, और लेकिन कुछ नहीं था कुछ मिल गया है इससे संतुष्ट है। कैंट के नगेश्वर चौराहे पे चाय की दुकान है, उसके बगल में पान दुकान, ये सबके मुंह में पान है, वही पान खा रहे। देखिए हर आदमी मतलब चाय और पान तो यहाँ का अंदाज है, यहाँ का फैशन है, और आपके मुंह में पान है। अब ये बताइए कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है? यहाँ पे चुनावी माहौल जो है जय श्री राम है, पूरा जय श्री राम, पूरा बनारस। यहाँ पे लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ महिलाओं से बात की, वो उनका दर्द इस बात का था कि उनको रोजगार तो मिला, लेकिन रोजगार मिला है उनको चरखा चलाने का, जिन 100 रुपये मिलते हैं, एक व्यक्ति को परिवार चलाने के लिए क्या 100 रुपये पर्याप्त होते हैं? ये पर्याप्त नहीं, लेकिन अभी 2 साल तो देख रहे हैं कोरोना से पूरा देश त्रस्त है, धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ेगा, हम लोग भी उसमें आते हैं परेशानी में, लेकिन उससे बहुत दिक्कत नहीं रोजगार को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरक्षा भाई साहब, पूरा बनारस बहुत सुरक्षित है। हाँ मैं तो किसी भी समय यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, बनारस अब नहीं हो रहा है ना भैया? आप लोग क्या कहते हैं कि बनारस में सुरक्षा बिल्कुल ठीक है? जबरदस्त सुरक्षा है, बहुत अच्छी सुरक्षा है, बहुत ही सुरक्षा है, बिल्कुल बेटर है, पहले तो बहुत बेटर है, सफाई और बिजली सब बेटर है, बहुत बेहतर है। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, काम भी बहुत जबरदस्त हो रहा है यहाँ पे, वो काम हुआ जो कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे बनारस में, ये भी काम हो सकता है। अच्छा। बहुत बड़े बड़े काम हुए। एक सज्जन खड़े हैं हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, बिजी है काम में, लेकिन मैं उनसे डिस्टर्ब करना चाहूंगा। ये बताइए कि मुद्दा क्या है यहाँ पे चुनाव का, मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा कोई यहाँ पे नहीं है, यहाँ बस विकास हो रहा है, विकास का मुद्दा है, गरीबी मुद्दा नहीं है? नहीं देखिए, गरीबी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गरीबी तो लोगों के दिमाग में घुस गई है,
भाई गरीबों के लिए सरकार तो कर ही रही है जो करना है जितना मैक्सिमम करना है। हाँ थोड़ा सा भाई मिडिल क्लास वाले परेशान हैं, लेकिन भाई वो सरकार है, सरकार को वक्त लगेगा। हर मिडिल क्लास परेशान है और जो लोअर क्लास है जो रोज कमाता है रोज खाता है वो ठीक है, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा है कमा लेगा, वो कुछ भी करके कमा लेगा। मिडिल क्लास के क्या करेगा, ठेले पे सब्जी तो नहीं ना लगाएगा, खुमचे बोझा तो नहीं ना ढोएगा। और उसके और भाई जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपना काम कर ही रहे हैं, सरकार उनको खाना दे ही रहा है, सरकार उनको दे ही रहा है जो देना है दे रहा है, महीने में दो फ्री दो बार राशन दे रहा है। मिडिल क्लास थोड़ा सा है सफर कर रहा, लेकिन वक्त लगेगा, समय है, सुधर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी बहुत कुछ किए हैं बनारस को सुधार। बनारस के चुनाव में जो मेन इम्पैक्ट जहाँ पे जो हम लोग कैंट और उत्तरी विधानसभा में है, यहाँ पे सिटिंग विधायक भी भाजपा का है, कुछ लोग नाराज भी दिखाई दे रहे थे, उनकी नाराजगी कहाँ तक काम आएगी? देखिए हर आदमी खुश तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ नाराज तो मिलेंगे ही, ऐसी बात नहीं। मोदी जी की कुछ किए नहीं, बहुत कुछ किए हैं मोदी जी ने किए, लेकिन विधायक जी क्या किए? विधायक ने भी बहुत कुछ किया है, देखिए अपने स्तर से तो उन्होंने भी बहुत कुछ किया, लेकिन संसदीय क्षेत्र नाम पहले उन्हीं का आएगा। देखिए यहाँ के लोगों को विधायक से भले ही नाराजगी हो, लेकिन मोदी से और मोदी के द्वारा किए गए कामों से बहुत संतुष्टि दिखाई देती है। वो कहते हैं महंगाई नहीं है, गरीबी नहीं है, जो कुछ थोड़ा परेशानी है वो मध्यम वर्गीय को है, ना ही न्यूनतम जो नीचे स्तर के लोग हैं ना उनको है, ना ही हायर सेक्शन को। तो बनारस के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड जानने के लिए हम पहुंच गए हैं एकदम चौराहे पे। ये चौराहा कौन सा है? ये कचहरी है। कचहरी कचहरी चौराहे, यहाँ पे आज हालांकि शिवरात्रि की छुट्टी है तो यहाँ पे कुछ सन्नाटा है, तमाम जो है वो चल रहे हैं, धर्म काम चल रहा है। ये देखिए लगा भंडारा बन रहा है, शिवरात्रि के जहाँ पे यज्ञ हो रहा है वहाँ का भंडारा है, उसके लिए बराबर तैयारी चल रही है जैसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ जो चुनाव है किस मुद्दे पर हो रहा है? यहाँ ईमानदारी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। ईमानदारी के मुद्दे, ईमानदारी। और इसके अलावा क्या लगता है आपको? इसके अलावा क्या, ईमानदारी हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा, कुछ बचेगा। आपको क्या लगता है अभी चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है, सबसे बड़ी चीज। ईमानदारी मुद्दे पर हो रहा है? नहीं नहीं, विकास के मुद्दे सबसे बड़ी चीज है, विकास। अच्छा, बस सबसे बड़ी चीज यही है विकास। और क्या है आप बताइए भाई, आप लाठी वाड़ी लेके आए, बताइए क्या क्या मुद्दा है? अच्छा अच्छा, चुनाव का मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ जो है महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई, हाँ, तेल 200 रुपया किलो बिक रहा है। और एलपीजी? एलपीजी 1000 पार हो गया है। अच्छा, और पेट्रोल भी बहुत, पेट्रोल तो आप जान ही रहे, देश जान रहे हैं कहाँ चले गए। चलिए आइए, आपको कहना है कि इतना महंगाई हो गया, आपको क्या लगता है महंगाई हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर चुनाव में कितना पड़ेगा इसका इम्पैक्ट? चुनाव में इतना ज्यादा नहीं पड़ने वाला, देखिए जो बात है साफ साफ, क्योंकि जनता योगी मोदी के पीछे पर एकदम खुल के समर्थन में है। योगी मोदी चाहे महंगाई जितनी हो जाए, महंगाई जितनी हो जाए लेकिन वोट मिलेगा मोदी को। क्या ये सच है? हाँ बाबा जी इस समय जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्थान पे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, तो यहाँ पे लगता नहीं कोई असर आएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो सब कोई यहाँ सांसद जी का, ये भारतीय राजनीतिक मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई असर नहीं है, जनता के ऊपर समाज के ऊपर कोई असर नहीं है। सरकार जा रही है बाबा जी की, परिवर्तन दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज सर्व समाज जो है एकदम मूड बना लिया है, वर्तमान में इस समय अखिलेश जी आ रहे हैं। देखिए इनका कहना अखिलेश जी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है योगी जा रहे हैं? आप ओपिनियन पोल उठा के देख लीजिए, योगी जी पूरा एकदम 225 सीट अभी दिखा रही है, हो सकता है कि बहुमत भी आ जाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जनता बिहेव कर रही है, जैसे जनता बता रही है, उसके उस आंकड़े यही निकलते हैं कि तमाम जगह मुद्दा योगी और मोदी को लेकर के तमाम लोग मोदी और योगी और भाजपा को वोट देने की बात करते हैं लेकिन प्रत्याशी का नाम नहीं जानते। लेकिन वहीं तमाम लोग कहते हैं महंगाई मुद्दा है, पेट्रोल का दाम मुद्दा है, गैस के बड़े दाम मुद्दा है। ये तो 7 तारीख ही बताएगी कि उनका मुद्दा कौन सा असली था और 10 तारीख के परिणाम तय करेंगे कि यहाँ का विजेता कौन हुआ। जनता टीवी के लिए रियाज के साथ अनिल के अंकुर।